हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टुडे स्पेशल में। तो दोस्तों, मैं हूँ नेहा तोमर। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर ही बनी मलाई से घी। तो दोस्तों, अक्सर हम बाज़ार से घी खरीदते हैं तो उसमें वो प्योरिटी नहीं होती जो घर के बने घी में होती है। अक्सर मैंने देखा है कि घर पर ही दूध पर जमी मलाई से घी निकालते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और काफ़ी टाइम लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मात्र 30 मिनट में मलाई से घी कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये मलाई ली है। ये मेरी 10 से 12 दिन की मलाई है और ये जो मलाई है वो गाय के दूध की है, इसलिए थोड़ी आपको येलो येलो लग रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने करीबन 1 किलो मलाई ली है और मैंने उसे भगोने में डाल लिया है। थोड़ा सा बड़ा बर्तन है क्योंकि इसे घुमाने के लिए थोड़ा बड़ा बर्तन चाहिए, इसलिए मैंने बड़ा बर्तन लिया है। और हम इसे चमचे की हेल्प से थोड़ा सा एक ग्लास पानी ऐड करके हम इसे इस तरीके से मिलाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरीके से हमें इसे चलाना है और साथ ही साथ इसमें पानी भी ऐड करते जाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसमें पानी ऐड करें और इसे चलाना ना छोड़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप इसे चलाते रहेंगे और उसके बाद हम इसे तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप चमचे की हेल्प से इसे मिला सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूध मथनी मशीन है तो आप उसकी हेल्प से भी इसे चला सकते हैं। मोस्टली हमारे घरों में दूध वाली जो मशीन होती है हम उससे चलाते हैं, लेकिन जिसके पास वो मशीन अवेलेबल नहीं है वो इस तरीके से दूध पर जमी मलाई से घी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो दही फैटने वाली जो मशीन होती है उसकी हेल्प से मैंने इसे चलाया। अगर आपके पास आपके घर में ब्लेंडर वगैरह कोई अवेलेबल है तो आप उससे भी इसे चला सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे बहुत जल्दी हमारी जो मलाई है वो अच्छे से घी, हमारा जिसे लोनी बोलते हैं, वो अच्छे से पानी से अलग हो गई है। पानी से इसे हाथ की हेल्प से निकाल कर एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें इसके बाद जो इसमें पानी वगैरह बचा है उसे आप एक छलनी की हेल्प से अलग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सारी मलाई को छलनी की हेल्प से इसका पानी निकाल दिया है और वो अलग कर लिए। उसके बाद हम इसे दोबारा से उसी भगोने में डालेंगे और दोबारा इसमें पानी ऐड करके ब्लेंडर की हेल्प से इसे हम चलाएंगे दोबारा से। आप चाहें तो चमचा भी ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उससे इसे चला सकते हैं। बस हमें घी निकालना है और कुछ नहीं करना है, तो आपको जो सूटेबल लगे आप उससे इसे चला सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से चलाया है और हम दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले किया था। हम दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे, इसे चलने की हेल्प से हम अच्छे से इसका पानी अलग कर लेंगे और जो हमारी मलाई है, जो घी है, उसे हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो इसमें 10 से 12 दिन जो हम इसे रखते हैं तो इसमें थोड़ी सी स्मेल हो जाती है। अगर आप इस तरीके से इसे चलाएंगे तो इसकी स्मेल वगैरह सब निकल जाएगी और आप चाहें तो इसे किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो घी है वो लगभग तैयार हो चुका है, हम इसका घी बनाने के लिए इसे गैस पर रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी जल्दी मेल्ट हो गया आप देख सकते हैं और आप इसे चमचे की हेल्प से चलाते रहें, इसे बीच में ना छोड़ें वरना जो हमारी मलाई है वो नीचे लग जाएगी और घी में हमारे स्मेल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ गया है और हमारा घी अच्छे से पकना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो घी में उबाल आ गया है अच्छे से, तो यहाँ पर जो सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें अपना घी जल्दी और आसानी से बनाने के लिए जो हमें चीज़ इसमें मिलानी है वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून आटा, जो गेहूं का आटा हम मोस्टली घर में यूज़ करते हैं वही हम इसमें ऐड करेंगे। उससे क्या होगा दोस्तों, उससे ये होगा कि इसमें जो छाय वगैरह जो भी रह जाती है घी में वो इसे अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगा और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे ताकि इसमें लम्प्स ना हो जाएं। इसलिए हम इसे अच्छे से अपने घी के साथ इस तरीके से मिला देंगे, जैसा कि आप इसे वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरीके से हम अपने घी के साथ आटे को मिलाएंगे और इसे करीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम उबलने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में इसे चलाकर जरूर देखते रहें फ्रेंड्स। इसे यही नहीं कि आप इसे गैस पर रखकर छोड़ दें, तो आपको ये बीच बीच में चलाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा घी सेपरेटली ऊपर आने लगा है और हमारा घी लगभग बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे चलाते रहें और हम इसे 10 से 5 मिनट के लिए अभी और पकाएंगे, जिससे कि हमारा घी बिल्कुल इससे मलाई से निकलकर अलग हो जाए। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि हम बाज़ार से घी वगैरह खरीदते हैं तो वो मिलावटी घी होता है, तो हम इसे अपने बच्चों को नहीं खिला सकते। लेकिन फ्रेंड्स, हम जो घर पर जमी मलाई से घी निकालेंगे वो हम अपने बच्चों को या किसी भी गेस्ट को हम अच्छे से सर्व कर सकते हैं, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होगा। हम इसे अपने बच्चों को
या किसी भी गेस्ट को हम इसे खिला सकते हैं। तो फाइनली हमारा घी बनकर तैयार हो गया है और हम इसे एक बर्तन में छान लेंगे, जिससे कि जो इसमें नीचे जो मलाई है वो हमारे घी में ना आए, इसलिए हम इसे छलनी से अच्छे से छान लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी लगभग बनकर तैयार हो गया है। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।